अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक प्रवेंद्र पाल सिंह ने गुरुवार को एक फैसले में महिला और बच्चों पर तेजाब डालने के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास और 3,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक गुलाब सिंह के अनुसार महतवास निवासी सुमन देवी ने 30 अगस्त 2015 को मांडर थाने में दर्ज करवाया था कि वह अपने घर में बच्चों के साथ सो रही थी कि 1 बजे गांव का वीरेंद्र कुमार आया और उस पर उसके 3 बच्चों पर तेजाब डालकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें करमवीर सिंह, कृष्ण कुमार, राजमल व सरिता देवी थे। बाद में न्यायालय के आदेश पर वीरेंद्र सिंह को भी आरोपित माना जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 4 अन्य को दोषमुक्त कर दिया। वह वीरेंद्र सिंह को दोषी मानकर आजीवन कारावास व 3,00,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। 3,00,000 रुपए पीड़ितों को दिए जाने के आदेश दिए। पुलिस ने प्रकरण में असल दोषी का नाम हटाकर 4 अन्य को मुजलिम मानकर ACGM कोर्ट में चालान पेश किया तो पीड़िता ने कोर्ट में गलत मुलजिम बनाने का विरोध किया। इससे पहले भी पुलिस की गलत कार्रवाई की कई जगह शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस ने न्याय की कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ADJ कोर्ट में प्रार्थना देने पर साक्ष्यों के आधार पर प्रसंग ज्ञान लेते आरोपी वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी वारंट से वह परिवादी वकील हुकम चंद शर्मा को कोर्ट में तलब किया जिसके बाद दोषी वीरेंद्र को सजा हो सकी। परिवादी के वकील हुकम चंद शर्मा ने बताया कि घटना के समय पीड़िता व बच्चे तेजाब की घटना से चीखने चिल्लाने लगे तो पड़ोसी ग्रामीण युवक कृष्ण उन्हें बचाने घर पहुंचा और तेजाब अटैक से घायलों को मांडर अस्पताल पहुंचाया। बाद में मांडर थाने के तत्कालीन IO ने असल आरोपी को तो मुलजिम नहीं बनाया उल्टे मददगार कृष्ण को मुलजिम बना दिया जिसके बाद में पीड़िता के बयान पर और साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष माना। आज मैं उस फैसले से संतुष्ट हूँ लेकिन जो एक आरोपी था उसको सजा मिली लेकिन जो और अन्य आरोपी थे ना 3 आरोपी और है करमबीर सिंह सुबे सिंह, सरिता वायु वीरेंद्र और रजमल सिंह रामेश्वर द्वारे, ये 3 बच गए लेकिन इन 3 लोग भी तो सजा के हकदार हैं, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी उसमें शामिल है उसमें। तो अभी तो एक को सजा मिली है, जो बाकी 3 है उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। कब की बात है, कैसे घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? ये 3 साल हो गए, 3 साल पहले की बात है। ये जमीनी विवाद था, जमीन की लड़ाई थी और के नाम हम मेरा परिवार मेरे बच्चे और मैं हम सभी घर में सोए हुए थे। करीब 1:30 बजे की बात है और वीरेंद्र ने हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया और उसमें ये और लोग भी शामिल थे, करमवीर उत्तर सुबे सिंह, रजमल सनोप रामेश्वर दयाल और ये सरिता वाइफ वीरेंद्र, ये 3 भी इसमें शामिल है। कोई तेजाब लाने वाला है, कोई मास्टरमाइंड है, रजमल तेजाब देने वाला है। और आज भी है ना, मेरे बच्चों की हालत आज भी बहुत सीरियस है।